नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं संवाद केंद्र मध्य प्रदेश। कल शाम से मध्य प्रदेश में एक अंतिम संस्कार काफी चर्चा का केंद्र बन गया है। आखिर यह अंतिम संस्कार कैसा हुआ है और क्या विशेषता रही है, आइए हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब एक ईसाई धर्म गुरु का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि बात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है और इंदौर के इतिहास में भी यह पहली घटना है जब किसी ईसाई धर्मगुरु का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। 71 वर्षीय फादर बर्गीज इंदौर सॉलिडेटरी मूवमेंट के संस्थापक थे और ईसाई समुदाय में कैथोलिक वर्ग के पादरी थे। फादर बर्गीज सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करते थे। अध्ययन के दौरान वह हिंदू धर्म के काफ़ी नज़दीक आए। फादर बर्गीज ने अपने जीवित रहते ही अपने अनुयायियों को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों विधि विधान के अनुसार किया जाए। इसी क्रम में फादर बर्गीज का कल शाम को इंदौर के रामबाग स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर उनके बहुत सारे अनुयायी और ईसाई धर्मबंधु उपस्थित थे। हिंदू रीति रिवाज, मंत्रोच्चार, गायत्री मंत्र के बीच इंदौर के मुक्तिधाम में विद्युत शब्दगृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फादर बर्गीज का मानना था कि यह धरती हमारी माँ है और हमको इसका अनादर नहीं करना चाहिए। फादर बर्गीज कहते थे कि हमको मरने के बाद 6 फीट जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमको सर्वश्रेष्ठ युक्ति के तहत हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार का पालन करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार को वरीयता देते हुए अपना शरीर छोड़ा। 71 वर्षीय फादर बर्गीज पिछले एक महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। यो 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 नाम प्रचोदया।